फिर लगेगा कि घर में कोई संतान आ जाए, संतान की प्राप्ति के लिए। किसी के पास साइकिल होगी तो मोटरसाइकिल की चाहत करेगा, मोटरसाइकिल होगी तो चार पहिया की गाड़ी के लिए चाहत होगी। आपको दुनिया भर की संपदा मिल जाए तब भी पेट भरने वाला नहीं है। एक राजा के दरबार में एक संत पहुंच गए। क्यों पहुंचे? क्योंकि उसको बड़ा अभिमान था देने का। जो भी आता उसे जी भर करके देता था। इसे देने में जो जयजयकार मिलती थी इससे और उसके अहंकार की पुष्टि होती थी। तो ये संत उसके दरबार में पहुंचे तो महाराज ने सैनिकों से कहा कि लाओ इनके भिक्षा पात्र में भिक्षा डाल दो। तो संत ने कहा कि महाराज आप मेरे इस भिक्षा पात्र को भर दीजिए। सैनिकों से कहा, सैनिक कोषागार से बहुत सारी स्वर्ण की मुद्राएं लेकर के आए और संत की उस पात्र में डालने लगे, लेकिन जितनी ये लेकर के जाते डालते उतना ही पात्र और खाली हो जाता। छोटा सा पात्र, पूरा कोषागार खाली हो गया, लेकिन वो छोटा सा भिक्षा का पात्र भरा नहीं। राजा दुखी हो गया, चरणों में गिर पड़ा कि महाराज आप साधारण नहीं हो सकते, आपका ये पाता जो पात्र है ये भी साधारण नहीं हो सकता। मेरा संपूर्ण कोषागार खाली हो गया लेकिन ये पात्र नहीं भरा। अब तो आप बता दीजिए कि आपका ये पात्र काहे का बना है कि जो भरता ही नहीं है। तो कहते हैं कि ये जो पात्र है ना, ये व्यक्ति के मन से बना हुआ है, इसीलिए भरता नहीं है। सारे जगत का वैभव भी मिल जाए तो भी मन भरने वाला है नहीं। हम सारी दुनिया में सुख की तलाश में भागते, ये मिल जाए तो सुख आ जाए, ये मिल जाए तो सुख आ जाए। दुनिया में भाग लीजिएगा, सुख मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि सुख बाहर नहीं, आनंद बाहर नहीं, आनंद भीतर ही है। इसे जब तक भीतर की यात्रा प्रारंभ नहीं होगी तब तक आपको आनंद मिलने वाला है नहीं। आपने कई बार देखा होगा कुत्ता जो है सूखी हड्डी को मुख में चबाता है और दूसरे कुत्ते से बचाने के लिए वो उस हड्डी को एक स्थान से दूसरे स्थान लिए लिए घूमता रहता है। जबकि सूखी हड्डी में ना मांस है, ना रक्त है, ना मज्जा है, लेकिन फिर भी कुत्ता उस सूखी हड्डी को लिए लिए घूमता है। जानते हो क्यों? क्योंकि जब कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है तो उस सूखी हड्डी की नोक उसके कुत्ते के मुख में लगती है और मुख में लगने से खुद कुत्ते के मुख से घाव होता है, रक्त निकलता है, मांस निकलता है। कुत्ते को लगता है कि ये मुझे हड्डी से मिल रहा है, अपने ही मुख में दिए हुए जख्मों से को देख करके रक्त और मांस से को वो समझता है हड्डी से मिल रहा है। हम कितना भी कुछ पाल लेंगे, बाहर खोज लेंगे, कभी शांति मिलने वाली नहीं है। बहुत मेहनत करोगे, डल्लब के गद्दे ले आओगे, शरीर को आराम मिल जाएगा। अधिकतम क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके एसी ले आओगे ठंडी हवा पाने के लिए, फ्रिज ले आओगे ठंडा पानी पीने के लिए, पैरों को आराम मिल जाए, चार पहिया की गाड़ी खरीद लाओगे। ये सारी वस्तुएं सुख तो दे देंगी पर शांति कहां से लाओगे? शांति ही आत्मा की असली खुराक है और वो वस्तुओं से नहीं मिलेगी, वो आध्यात्मिक पथ पर चलने से मिलेगी, अध्यात्म के शरण में बैठने से मिलेगी, किसी सतगुरु की कृपा से प्राप्त होगी। और ये आत्मदेव संत से कह रहा है कि महाराज आप तो मुझ पर ऐसी कृपा कर दो कि मेरे घर में मुझे संतान का सुख मिल जाए। वो संत आत्मदेव के माथे की लकीरों को देख करके कहते हैं कि आत्मदेव इस जन्म में तो क्या 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है? तो आत्मदेव ने कहा मैंने शास्त्रों में पढ़ा यदि संत कृपा कर दें तो भाग्य की प्रारब्ध की लकीरें भी बदल जाती हैं। यदि आपकी कृपा हो गई तो मुझे संतान की प्राप्ति हो सकती है और यदि आपने मुझ पर कृपा नहीं करी तो मैं आपके चरणों में सर पटक पटक के प्राण दे दूंगा। आत्मदेव समझाने लगे, आत्मदेव को संत समझा रहे लेकिन आत्मदेव की बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। बोले क्या करेगी संतान? बोले महाराज नाम कैसे चलेगा? संतान नहीं होगी तो तारेगा कौन? कौन चिताग्नि देगा? तो बोले संत ने कहा देखो आत्मदेव न पुत्र तारेगा न पुत्री तारेगी, यदि हम तरेंगे तो अपने कर्मों से तरेंगे। 1000 संतानें भी मिल जाएं लेकिन हमारे खुद के आचरण और कर्म अच्छे नहीं होंगे तो भी हम तरने वाले नहीं हैं। यदि हमारा कल्याण होगा तो हमारे स्वयं के चरित्र और कार्यों से होगा।
इसलिए संतान के चक्कर में अपने इस सुंदर से मानव जीवन को क्यों दुखी कर रहे हो? और रही बात, तो तुम्हें संतान नहीं मिली तो इसका मतलब है कि भगवान ने जरूर तुम पर कोई कृपा की है। क्या पता जो संतान होती वो ही तुम्हारे दुख का कारण बन जाती, क्या पता वो तुम्हारी अपकीर्ति का कारण बनती। भगवान ने तुम्हें दुखों से बचाने के लिए ही संतान ना दी हो। आत्मदेव ने कहा कि देखो, आप तो ठहरे वैरागी सन्यासी, संतान का अर्थ क्या होता है आप नहीं समझ पाओगे, आप तो बस मुझे संतान दे दो। बहुत समझाए, समझ में नहीं आया। तो वो संत कहते हैं कि देख, मैं तुझे एक बात बताता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ट्रेन की पटरी पर जाकर के लेट गया। सोचा जैसे ही ट्रेन आएगी तैसे ही कट करके मर जाऊंगा। तो जब वो ट्रेन की पटरी पर लेटा हुआ था तो वहां से एक संत पुरुष निकल के जा रहे थे। उन्होंने दूर से ही देख लिया कि कोई व्यक्ति पटरी पर लेटा हुआ है, इसका मतलब ये दुखी है, मरना चाहता है। वो जल्दी जल्दी चल करके दौड़ करके वहां तक पहुंचे। उससे कहा कि हे भले मानुष, 84 लाख योनियों को भोग करके मनुष्य की देह मिली और तू इस सुंदर सी ईश्वर की कृति को नष्ट करना चाहता है। माताओं बंधुओं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी तो हमारा बहुत बड़ा समय खाने पीने सोने और भोगने में चला जाता है। हम बड़े आराम से कह देते हैं 84 लाख योनी 84 लाख योनी, पर कभी ये विचार किया, कभी जानने की कोशिश की आखिर ये 84 लाख योनियों की अवधि होती कितनी है? भारत के प्रमाणित संतों के मुख से सुना है कि 84 लाख योनियों की जो अवधि होती है 4.5 लाख करोड़ वर्ष के बराबर होती है। 4.5 लाख करोड़ वर्ष भोगने के बाद ये मनुष्य की देह मिली और उसमें भी हमारे ये देह खाने पीने सोने और भोगने में व्यर्थ। हम कहते हैं ये हमारा दुश्मन, ये हमारा बुरा चाहता है, इसने हमारे साथ बुरा कर दिया। हम कहते हैं हमसे बड़ा दूसरा कोई हमारा दुश्मन नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयास नहीं करता उससे बड़ा उसका खुद का कोई दूसरा दुश्मन हो ही नहीं सकता। 4.5 लाख करोड़ वर्ष की अवधि भोगने के बाद और तू ये ट्रेन की पटरी पर कट करके मरना चाहता है? तो वो व्यक्ति कहता है, अरे आप नहीं जानते मेरे जीवन में कितना दुख है। मेरे 2 पुत्र हैं, दोनों को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, शादी विवाह की, घर मकान बना करके दिया। जब ये छोटे छोटे थे तभी पत्नी छोड़कर चली गई, दूसरा विवाह नहीं किया। जानता था कि कितनी भी अच्छी क्यों ना ले आऊं लेकिन होगी तो सौतेली ही ना, इसलिए माँ का प्यार भी दिया, पिता का प्यार भी दिया। मुझे 20,000 रुपया पेंशन मिलती है। बड़ा कहता है, पिताजी पेंशन मुझे ही देना। छोटा वाला कहता है, पिताजी मुझे ही देना, दोनों में से किसी को मेरी चिंता नहीं है। पेंशन के लिए हर महीने कलेश होता है, इस किचकिच की जिंदगी से थक गया। सोचा जैसे ट्रेन आएगी कट करके मर जाऊंगा। तो संत कहते हैं बस इतनी सी बात है? अरे संतान सुख नहीं देती, तो चल मेरे साथ हरिद्वार चल, मैं तुझे हरिद्वार लेके चलता हूँ, तुझे पैसे मिलते हैं, संतों का भंडारा करना, खुद भी खुश रहेगा, संत भी खुश रहेंगे। तो वो कहते हैं मुझे नहीं जाना हरिद्वार वरिद्वार। संत ने कहा क्यों? तो बोले उन दोनों को देखे बिना रहा भी तो नहीं जाता। तो ये क्या है? ये आसक्ति है। ये आसक्ति यानी कि आ तो सकती है पर जाना बड़ा मुश्किल है। और आसक्ति के जो बंधन है ये ऐसे बंधन है जो दिखाई नहीं देते, ये सूक्ष्म बंधन है। और इन आसक्ति के बंधनों को काटने की सामर्थ्य मात्र सतगुरु और सदग्रंथों में ही है, वरना ये आसक्ति के बंधन कटने वाले नहीं है। आत्मदेव से कह रहे हैं, महाराज प्रभु की रजा में राजी हो जाओ, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है, भगवान जो दे दे उसमें आत्म संतुष्टि पालो। क्योंकि सुख और दुख तेरे जो तुमने दे दिया प्रभु, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान फूल दे कांटे जो दे दे हमें वो स्वीकार है जो परमात्मा की रजा में राजी हो जाए। नहीं तो क्या होगा? जीव दुखी रहेगा, कष्ट में हर समय विपत्ति में घिरा रहेगा। आत्मदेव को इतना समझाया परंतु ये समझे नहीं है। क्यों? क्योंकि संतान के सुख की कामना वासना ने इनको अंधा कर दिया। और तब आत्मदेव को संत ने क्या दिया है? एक फल दिया कि ले जाकर तू उस पत्नी को दे देना। इसलिए माता बंधुओं, जो प्रभु की कृपा को समझ लेता है, जान लेता है, वो दुखी नहीं होता। क्योंकि प्रभु हम तो तेरे ही हैं,
यदि तू हमें खुशी देखना चाहता है तो तेरी इच्छा, और हमारे यदि रोने से तुझे खुशी होती है तो हम रोते रहेंगे, उसमें भी तेरी जैसी इच्छा।